नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरएस सिस्टम के ऊपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्लड ग्रुपिंग में हम दो सिस्टम यूज़ करते हैं, एवीओ सिस्टम और दूसरा आरएस सिस्टम। आरएस सिस्टम में जो डी एंटीजन होती है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं और उसकी स्क्रीनिंग के बाद हम जो पॉजिटिव या आरएच पॉजिटिव सेल्स हैं या आरएच नेगेटिव सेल्स हैं इसका पता लगा सकते हैं। और तो आज हम आरएस सिस्टम के बारे में जानेंगे, तो मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, करीब 200 के डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, जिसमें से 30 करीब जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और उनमें से भी 30 में से दो जो सिस्टम है हम जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में या ब्लड बैंकिंग में ग्रुपिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो एक है एबीओ सिस्टम और दूसरा है आरएस सिस्टम। तो एबीओ सिस्टम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद आज जो हम बात करने वाले हैं वो आरएस सिस्टम के बारे में। तो एबीओ सिस्टम के अलावा कई और सिस्टम भी होते हैं, एमएनएस सिस्टम, पी सिस्टम, ल्यूथेरियन सिस्टम, कैल सिस्टम, लुईस सिस्टम, डफी सिस्टम एंड किट सिस्टम। तो ये सारे भी डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुपिंग के सिस्टम्स हैं, लेकिन आज हम लोग जो है स्पेसिफिकली आरएस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो सिंबल होता है वो आरएच होता है और इसमें 45 डिफरेंट टाइप की एंटीजन्स, 45 से भी ज़्यादा एंटीजन्स इसमें होती हैं। और इसमें दो जीन जो होते हैं, एक आरएच डी जीन और एक आरएच सी ई जीन। ये दो जीन जो है बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं उनको इनकोड करते हैं और इन्हीं का हम ग्रुपिंग में डिटेक्शन करते हैं उन प्रोटीन्स का। और ये जो जीन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 1। तो जो शॉर्ट आर्म होती है क्रोमोसोम नंबर की उस पर ये प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहले जो आरएस सिस्टम की जो डिस्कवरी की गई थी वो लैंडस्टीनर और बिवनर के द्वारा 1940 में की गई थी। और इसको स्टडी करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो एंटीजन्स होती हैं दे आर मोस्ट और हाईली इम्यूनोजेनिक होती हैं। इम्यूनोजेनिक मींस दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो इसकी स्टडी करना, जो अपनी डी एंटीजन होती है वो मोस्ट इम्यूनोजेनिक एंटीजन कहलाती है। अगर किसी डी नेगेटिव पेशेंट को अगर डी पॉजिटिव ब्लड दे दिया जाए तो उसकी बॉडी में, डी नेगेटिव ब्लड वाले की बॉडी में एंटी डी एंटीबॉडीज बहुत स्पीडली बनती हैं। और क्योंकि डी एंटीजन जो होती है बहुत ही इम्यूनोजेनिक होती है और इस आरएच सिस्टम की जो एंटीजन्स हैं बहुत ही पॉलीमॉर्फिक या डाइवर्स टाइप की जो एंटीजन्स हैं, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिक ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहते हैं। सो इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का ये सिस्टम है और इसमें 45 से भी ज़्यादा डिफरेंट एंटीजन्स होती हैं। तो आरएच जीन, जैसा कि मैंने बताया था, कि लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 1। तो सबसे पहले जो आरएच एंटीजन का पता किया गया था वो 1940 में, उसमें उस समय जो एंटी रैबिट की जो एंटीबॉडीज हैं या एंटी रैबिट का जो प्लाज्मा है उसको ह्यूमन आरबीसी के साथ मिक्स किया गया था और जो एंटी रैबिट एंटीबॉडीज हैं ये प्रोड्यूस हुई थी आरबीसी, रेसस मंकी के जो आरबीसीज हैं वो रैबिट में इन्फ्यूज़ किए गए थे। और इस जो डी एंटीजन के इसकी रिस्पांस में जो रैबिट की बॉडी है उसने एंटी रैबिट एंटीबॉडीज़ बनाई। तो ये जब एंटी रैबिट एंटीबॉडीज़ ह्यूमन ब्लड के साथ में इनका रिएक्शन करवाया गया तो करीब 85% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें आरबीसी जो है वो एग्लूटेशन दिखा रहे थे। और तो इन सबको लेबल किया गया आरएच पॉजिटिव। तो 85% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो आरएच पॉजिटिव होती है और उसके बाद जो 15% पॉपुलेशन थी वो उसमें एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा था, मतलब ह्यूमन आरबीसीज और एंटी रैबिट एंटीबॉडीज़ का। तो उस ग्रुप को आरएच नेगेटिव ग्रुप कहा गया। और तो ये इस तरह से दो ग्रुप बन गए, आरएच पॉजिटिव जो 85% पॉपुलेशन में कॉमन होता है और दूसरा है आरएच नेगेटिव ग्रुप जो 15% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन में पाया जाता है।
अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दो जीन होते हैं जो इनकोड करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, तो एक तो होता है आरएचडी जीन और दूसरा होता है आरएससीई जीन। तो जो आरएचडी जीन होता है वो डी एंटीजन बनाता है या डी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको बनाता है, और दूसरा जो आरएससीई है ये सी और ई एंटीजन्स को बनाता है। तो यहाँ पर नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आरएचडी की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मल्टीपल टाइम्स पास होती है, और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसके जो आरएचडी के फोर इम्पोर्टेंट जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, तो जो फोर डिटर्मिनेंट्स हैं ये इस एंटीजन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं जब ग्रुपिंग करते हैं। दूसरी ओर हम देख सकते हैं जो आरएचसी जीन है इसकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी लूप नंबर सेकंड में सी एंटीजन होती है और लूप नंबर फोर्थ में ई एंटीजन होती है। तो ये दो एंटीजन आप देख सकते हैं सी और ई, तो ये बेसिकली आरएचसी जो जीन होता है उसके द्वारा ये पॉलीपेप्टाइड चेन इनकोड होती है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में था आरएच एंटीजन का, तो एंटीडी और उसके बाद डी एंटीजन और सीई एंटीजन के बारे में था। अगर हम आरएच जीनोटाइप के बारे में बात करें तो ये जो इसकी जो जीनोटाइप है बेसिकली थ्री पेयर्स जो के जो जीन्स होते हैं क्लोजली रिलेटेड जीन्स होते हैं सी सी डी डी ई ई, तो जो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, तो ये जो इनकी जो पेयरिंग होती है मैटरनल और पैटर्नल जो ग्रुप होते हैं, एक जो सेट होता है वो मैटरनल का रहता है, दूसरा सेट जो होता है वो पैटर्नल का, तो इस तरह से थ्री पेयर बन जाते हैं। तो आप एक साइड में लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि एक साइड में मैटरनल जीन्स हैं दूसरी साइड में पैटर्नल जीन्स हैं, और इनकी कॉम्बिनेशन से थ्री पेयर बनते हैं। तो बेसिकली जो कैपिटल डी है उस अगर वो इस पेयर में प्रेजेंट है तो वो जो ग्रुप होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा, और अगर कैपिटल डी नहीं है स्मॉल डी है या डी जो है वो रेसेसिव फॉर्म में है या उसमें नहीं है तो उसका जो ग्रुप होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन भी जीनोटाइप में कैपिटल डी है तो 1, 2, 3, 4, 5 जो जीनोटाइप हैं यहाँ पे इनमें आप देख सकते हैं कि कैपिटल डी या तो मैटरनल क्रोमोजोम में है मैटरनल जीन्स में है या पैटर्नल जीन्स में है या मैटरनल अलील में है या पैटर्नल अलील में है। तो अगर डी कैपिटल डी प्रेजेंट रहता है तो वो आरएच पॉजिटिव ग्रुप होता है पूरा। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव जो फिनोटाइप आएगी वो आरएच पॉजिटिव की आएगी, और ऊपर आप देख सकते हैं कि जब स्मॉल डी होता है जीनोटाइप में तो इसकी जो फिनोटाइप होगी वो आरएच नेगेटिव होगी। तो ये एक्चुअली आरएच सिस्टम में जो जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में था। अब हम बात करते हैं डीओ वेरिएंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्रकर्सर आरबीसी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती हैं वो एक्चुअली दो जीन जो होते हैं आरएचडी जीन और आरएचसीई जीन, इनके एक्सप्रेशन से और इन्हीं से जो मैसेज है वो जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होती है। तो जो आरएचडी जीन है आप देख सकते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी हुई है जो प्रकर्सर आरबीसीज है उनमें बहुत सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं, लेकिन इसमें से जो फोर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं ये इसकी एंटीजेनिसिटी को डिटरमाइन करते हैं, और ये सारे जो डी एंटीजन को एक्चुअली ये कोड करते हैं। दूसरी ओर हम आरएससीई जीन को देखें तो ये सी एंड ई एंटीजन को कोड करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था सेकंड लूप पे और फोर्थ लूप पे, सेकंड लूप पे सी एंटीजन होती है और जो आपकी फोर्थ लूप होती है उसमें ई एंटीजन होती है। तो ये जो दूसरा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें जो दो एंटीजन्स होती हैं सी एंटीजन और ई एंटीजन, तो इस तरह से कंप्लीट जो बेसिकली डी और सी और ई एंटीजन्स का
प्रेजेंटेशन होता है प्रिकर्सर आरबीसीज पे, और यही जब आरबीसीज मैच्योर होते हैं तो उनके सरफेस पे भी यही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो प्रिकर्सर आरबीसीज हैं उनके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। तो इस टाइप के जो लेस डी एंटीजन वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, लेस एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स होते हैं, उनको वीक डी कहा जाता है। और वीक डी एक तरह का डीयू वेरिएंट है, ये मतलब डी का एक वेरिएंट है ये। तो वीक डी में एक्चुअली होता क्या है वीक डी में, कि इसमें जो क्वांटिटी है जो सरफेस मॉलिक्यूल की या पॉलीपेप्टाइड की, वो कम हो जाती है। दूसरी ओर इसमें कई बार क्वालिटेटिव डिफेक्ट भी होता है। तो जो इसमें क्वांटिटी तो नॉर्मल रहती है, लेकिन इसमें क्वालिटेटिव डिफेक्ट होता है। क्वालिटेटिव मतलब जो एंटीजेनिक बाइंडिंग साइट है वो अच्छी तरह से बाइंड नहीं होती हैं, वो एक्चुअली डिफेक्टिव होती हैं। तो डिफेक्टिव होने की वजह से नॉन फंक्शनल डी इसमें रहता है, और इस सिचुएशन को पार्शियल डी कहते हैं। तो ये दो सिचुएशन है जिसमें एक वीक डी और दूसरा पार्शियल डी है, दोनों ही डी यू वेरियंट कहलाते हैं। तीसरी ओर हम देखें कि कई बार जो एंटीजन्स हैं सारी, चाहे सी एंटीजन हो, चाहे डी एंटीजन हो, या ई एंटीजन हो, ये सारी की सारी एब्सेंट होती हैं, उस सिचुएशन में इसको आरएच नल कहते हैं। तो ये तीन जो स्पेशल टाइप के वेरियंट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वीक डी एंटीजन है उसकी जो पॉलीपेप्टाइड है उसकी आउटर लूप्स में जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए इसको वीक डी कहा जाता है, और ये एक तरह का डी यू वेरिएंट है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं पार्शियल डी में, इसमें एंटीजेनिक डिटरमिनेंट तो होते हैं लेकिन ये फंक्शनली नॉर्मल नहीं होते हैं, उतना फंक्शन इनका नहीं होता है जितना कि नॉर्मल डी में होता है, तो इसको पार्शियल डी कहा जाता है। तो ये दोनों ही जो होते हैं वीक डी और पार्शियल डी, ये डी यू वेरिएंट कहलाते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था कि अगर तीनों की तीनों जो एंटीजन है, डी एंटीजन, सी एंटीजन और ई एंटीजन, अगर ये कम्प्लीटली एब्सेंट है तो उसको हम आरएच नल कहते हैं। अगर हम इसकी टेस्टिंग के बारे में बात करें तो टेस्टिंग करने के लिए जो भी आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी टेस्टिंग एक्चुअली डी यू वेरिएंट के लिए करना चाहिए, और हमको ये पता लगाना चाहिए। यूजली ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं जब हम आरएच ग्रुपिंग करते हैं तो यूजली इनके जो सरफेस पे वीक डी होने की वजह से या पार्शियल डी होने की वजह से ये फीनोटाइपिकली आरएच नेगेटिव आते हैं। तो जो भी आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग डी यू वेरिएंट के लिए करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक्चुअली में वो पॉजिटिव होते हैं लेकिन चूंकि उनकी सरफेस पे जो एंटीजन है, डी एंटीजन है, वो काफ़ी वीक है, इसकी वजह से वो जब ग्रुपिंग करते हैं उसमें नेगेटिव आते हैं। तो इसको जितने भी ये जो आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, वो चाहे ए बी ओ किसी भी ग्रुप के हों, तो आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल्स के डी ओ वेरिएंट को स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे हम जो 50 माइक्रोलीटर जो है एंटी डी लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, और इसमें उस आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल्स के आरबीसी को 50 माइक्रोलीटर जो आरबीसी वास्ड आरबीसी होते हैं या सलाइन से जो वास की आरबीसी होते हैं उसको इस ट्यूब में ऐड करते हैं, और इन दोनों के मिक्सचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 45 मिनट्स के लिए इंक्यूबेट कर देते हैं। तो इंक्यूबेशन के बाद आप देखेंगे कि अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है उस ट्यूब में तो आप कह सकते हैं कि वो जो उसका ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है तो वो टिपिकली आरएच नेगेटिव है। तो इस तरह से हम डीओ वेरिएंट की जो है स्क्रीनिंग कर सकते हैं, और बेसिकली ये आरएच नेगेटिव जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें इसकी स्क्रीनिंग करना भी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। तो मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और इसको देखने के लिए आप लोगों का काफ़ी धन्यवाद। थैंक यू।